गाइज, अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली से गाइज आपका फेसबुक कुछ इस तरह का इंटरफेस आता होगा, वी डिसेबल योर अकाउंट। फेसबुक के द्वारा डिसेबल हो गया आपका फेसबुक अकाउंट, ठीक है। आप अपना फेसबुक को लॉगिन नहीं कर पा रहे हो और आपका फेसबुक अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका हो सकता है फेसबुक से पबजी चलता हो, गेमिंग चलता हो या फिर इंस्टाग्राम चलता हो। तो होता क्या है कि फेसबुक डिसेबल होगा तो आपका इंस्टा भी साथ में डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो जो जो भी लिंक होगा आपका वो सब काम नहीं करेगा। तो गाइज, किस तरह से आप अपना फेसबुक अकाउंट को रीओपन कर सकते हो, फिर से आप उसको पहले के जैसा ओपन कर सकते हो, तो कैसे इसके लिए करना क्या है, क्या इसका ट्रिक है, सो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा क्या ट्रिक से आप इसको फिर से ओपन कर सकते हो या कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, सो भी कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, आप इजी से अपना फेसबुक को ओपन कर सकते हो अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल होती है तब। और क्या गलती आपको नहीं करना है, सो भी आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। फेसबुक का ऑल ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो भी प्रॉब्लम होती है इस चैनल में आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा गाइस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली से करना क्या होगा, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे सर्च कीजिएगा फेसबुक हेल्प सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा फेसबुक हेल्प सेंटर। तो गाइस, जैसे आप फेसबुक हेल्प सेंटर यहाँ पे सर्च कर लोगे, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट पे आपको मिल जाएगा फेसबुक हेल्प सेंटर का, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट डिसेबल का, अगर आपके पास मिलता है तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो, नहीं तो गाइज आपको सिंपली से ऊपर में जो फेसबुक हेल्प सेंटर है उस पे आपको क्लिक करनी होगी। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसपे गाइज यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा दूंगा क्या गलती नहीं करना है ताकि आपका इस तरह का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो सब कुछ आपको बताऊंगा, कैसे इसको अपील करेंगे, कैसे आप इसके लिए रिक्वेस्ट डालोगे, कैसे आपका फेसबुक ओपन होगा, सो भी बताने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए, सिंपली से हेल्प सेंटर पे आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करनी होगी। सर्च क्या करनी है, माई फेसबुक अकाउंट वॉज डिसेबल, ठीक है, माई फेसबुक अकाउंट इज डिसेबल, ये भी लिख सकते हो आप सिंपली से। गाइज यहाँ पे देखिए, माई पर्सनल फेसबुक अकाउंट इज डिसेबल फर्स्ट पे आपको आ गया होगा। यहाँ पे गाइज सिंपली से क्लिक कीजिएगा फर्स्ट पे। तो जैसे जैसे फर्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट में मिलेगा फेसबुक का टर्म एंड कंडीशन, वही सर्विस, ठीक है। नीचे आपका फिक्स प्रॉब्लम, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड, यानी कि फेसबुक का कम्युनिटी गाइडलाइंस, आप सीखो क्या क्या गलती नहीं करना, क्या क्या गलती करना है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फेसबुक का, जो भी आपका रीज़न है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फिक्स लॉगिन प्रॉब्लम है जिसके थ्रू से आप लॉगिन करोगे। तो चलिए टर्म एंड कंडीशन आपको समझा दूँ फेसबुक का, क्या गलती नहीं करना है जिससे आपका फेसबुक डिसेबल वगैरह या लॉक वगैरह ना हो। तो यहाँ पे आपका टर्म एंड सर्विस आपको सब मिल जाएगा फेसबुक का, ये सब गलती आपको नहीं करना है। और ये सब को आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक पे ये सब फोटो नहीं डाले, बहुत कुछ होता है क्या, बहुत कुछ डाल देते हैं और कुछ कमेंट वगैरह भी गलत ना करें, ठीक है, फेसबुक का ये नियम होता है। तो ये सब देखिए, ये सब आपको सर्विस है, ये सब चेक करना होगा टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्रेंथ, क्या आपका फेसबुक का कम्युनिटी है, कम्युनिटी समझिए अच्छा से, उसके बाद ही आप फेसबुक यूज कीजिए। अगर आप पेज वगैरह यूज करते हैं या फिर फेसबुक का पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं, काफ़ी चीज़ डालते हैं, तो ये सब देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए इसका कम्युनिटी गाइडलाइंस ताकि आपको समझ में आ जाए। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, फाइंड योर साइन इन आइडेंटिफाई पे क्लिक करोगे और आप यहाँ से फेसबुक को फाइंड करके आप लॉगिन के प्रोसेस में डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो फेसबुक का लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप मेरे से आईडी को फाइंड कीजिएगा नंबर डाल के, और अगर नंबर डाल से नहीं आता है तो फिर आप ईमेल डाल के फाइंड कीजिएगा, अगर ईमेल से नहीं आता तो नाम डाल के भी फाइंड कर सकते हो। करने के बाद आप इजी से यहाँ से एक बार ट्राई कीजिएगा, आपका बैक हो जाए। अगर आपका 30 दिन से प्लस हो जाता है आईडी डिसेबल होने में, तो आपका परमानेंट डिलीट हो जाता है आईडी। उसके लिए आपको हो सकता है तब 90 से 180 दिन वेट कीजिएगा, आपका हो सकता है ओपन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो गाइज ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये सब गलती आप नेक्स्ट टाइम से ना करें ताकि आपका फेसबुक पर इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। ये गाइज आपको अवेयरनेस के तौर पे बता रहा हूँ, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आती है तो बहुत कम चांस होती है आपका अकाउंट बैक होने का और बहुत ज़्यादा चांस होती है आपका अकाउंट बंद होने का। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बार ट्राई करना चाहते हैं इसका फॉर्म अपील कर सकते हो आप, ठीक है। फॉर्म अपील का लिंक अगर बोलोगे तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फॉर्म अपील कर सकते हो।
अगर आपको फॉर्म अपील का लिंक चाहिए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा अपना, क्लिक करके जाना। और यही आईडी है, क्योंकि मेरे नाम से बहुत लोग फेक आईडी भी यूज कर रहे हैं, तो फेक आईडी से बचो और बिना वीडियो कॉल का ट्रस्ट ना करो। आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक ब्रो राहुल 0, ये मेरा आईडी है, इसी पे आपको जाके मैसेज करना है, और यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू।